मुझे अगर आप ये बता दें कि आपका तलाक क्यों हुआ तो मुझे फैसला करने में किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। वैसे मुझे बतलाया गया था कि आपका प्रेम विवाह था। जी हाँ, प्रेम विवाह। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने प्यार किया और फिर शादी, बस यही मेरी गलती थी। यानी कि मुझे दरअसल शादी पहले करनी चाहिए थी और प्यार बाद में। ये सब तो किताबों की बातें हैं। कुछ कहानियां पढ़ी हैं मैंने, पर कहानियां सिर्फ कल्पनाओं के घेरे में ही घिरी रहती हैं, उनमें सच्चाई का अंश नहीं होता। ये आपका सोचने का अपना तरीका है, मेरा नहीं। तो क्या सोचने के भी अलग अलग तरीके होते हैं? क्यों नहीं होते। अब देखिए ना, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे ये सवाल करेंगी कि मेरा तलाक कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो क्या आपने ये सोचा था कि मैं झट से शादी के लिए हाँ कह दूंगी? ठीक ही तो है, क्योंकि बदकिस्मती से आज मैं विधवा हूँ, और ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि न चाहते हुए भी एक विधवा जो जवान भी है अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती, वरना उसे जंगली भेड़ियों का शिकार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। इस तरह की सच्चाई को बहुत कम लोग सोचते हैं। मैं आपके ख्यालों से पूरी तरह सहमत हूँ। वैसे मैं भी अपनी बची हुई जिंदगी अकेले नहीं गुजार सकता। आज आपको यह भी बता दूं कि तलाक के वक्त हमारा एक लड़का भी था जिसे वो अपने साथ ले गई। यूं ही कुछ कानूनी अड़चनें थीं। अड़चनें अगर कल को सुलझ गईं, तो क्या लड़का आपके पास वापस आ जाएगा? वापस जो चले गए वो लौट कर नहीं आते अभिलाषा जी। मैंने उसे लिख कर दे दिया है कि मैं कभी भी अपने लड़के का क्लेम नहीं करूंगा। अपने सारे अधिकार मैंने छोड़ दिए, और तो और उसी वजह से मैंने वो शहर भी छोड़ दिया। यहां तक कि अपने नाम से वर्मा हटाकर अब मैं सिर्फ अंकुर कुमार रह गया हूं। अतीत के पन्ने मैंने अपनी किताब से फाड़ दिए हैं अभिलाषा जी। और यादें? यादें, ठीक कहा आपने, यादों पर किसी का बस नहीं होता। अच्छा ये बताइए, क्या आप अपने खोए हुए पति की याद अपने दिल से निकाल पाई हैं? क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? जवाब नहीं है ना आपके पास? खैर कोई बात नहीं, जवाब मैं देता हूं। आप शादी कर लेंगी तो धीरे धीरे यादों पर नई परतें जमने लगेंगी और आप उन्हें भूल जाएंगी। क्या ऐसा हो पाएगा? क्यों नहीं होगा, मेरा भी तो वही हाल होगा। आपसे शादी के बाद वक्त, जी हाँ वक्त, प्रिया को धीरे धीरे पीछे धकेलता जाएगा और दिन ब दिन आपकी छवि उसके ऊपर चढ़ती रहेगी। और उसी तरह हमारी होने वाली औलाद मुझे अपने बेटे का ख्याल दिल से निकाल देने पर मजबूर कर देगी। पर आपने अभी तक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपका तलाक क्यों हुआ। बताता हूं, इनफैक्ट अभिलाषा जी, वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, आंट वी। खैर आप चाय तो लीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। ठीक है। बर्दाश्त करने की भी हद होती है अंकुर, मैं देवी नहीं कि देखते हुए भी आंखें बंद कर लूं। मुझे बताओ आखिर ये सब कुछ है क्या? क्या सब कुछ, मैं कुछ समझा नहीं। सब कुछ देखते हुए भी अनजान बन रहे हो? मेरी समझ को न जाने क्या हो गया था जो तुम्हारे प्यार के जाल में फंस गई। तुम मेरे पति हो और आज मैं पति के होते हुए पति से दूर जा रही हूँ। प्रिया, तुम्हें ये हो क्या रहा है? रोज वही बात, रोज वही लड़ाई। मैं कह रहा हूँ कि देखो हर बात की एक सीमा होती है प्रिया। दिन रात मैं काम करके तुम दोनों को सारे सुख देना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे सारे सुख देना चाहता हूँ। मेरी बात तो छोड़ो, आज कितने दिन हो गए हैं तुम्हें अपने बेटे को प्यार दिए हुए, सोचो जरा। अरे उस मासूम को तो ये तक पता नहीं कि उसके पापा भी हैं। मानता हूँ प्रिया, मैं मानता हूँ कि मेरे पास वक्त कम है, पर मैं क्या करूं, देयर इज सो मच ऑफ वर्क। वैसे प्रिया, बच्चे की देखभाल करना तो तुम्हारा ही काम है ना, तुम उसकी माँ हो। ओह,
और तुम्हारा क्या काम है? दफ्तर की मालकिन के साथ इश्क लड़ाना? क्या कह रही हो तुम? शर्मानी चाहिए तुम्हें, बीवी और बच्चे के होते हुए। आई से स्टॉप इट। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी ये गंदगी भरी बातें सुन सुनकर। तुम्हारे दिमाग में क्या सिवाय गंदगी के और कुछ भी नहीं है? तुमने तुमने मुझे मारा? तुमने? हाँ हाँ, मैंने मैंने तुम्हें मारा। आज तक कभी मेरे माँ बाप ने मुझे हल्के से चाटा तक नहीं मारा। यही तुम्हारे माँ बाप की सबसे बड़ी गलती थी। तुमने? अरे मैं देर रात तक काम करता हूँ, मालकिन का घर भी इसी तरफ है, मुझे घर तक छोड़ क्या देती है? तुम्हें लगता है मेरा उनके साथ अफेयर चल रहा है? फैंटास्टिक। और नहीं तो क्या, मैं रोज देख रही हूं। तुम कुछ नहीं देख रही हो, यू आर जस्ट इमेजिनिंग। यू आर मेंटली सिक प्रिया, यू आर मेंटली सिक। तुम्हारी आंखों में सिर्फ शक और शक ही भरा है। शक नहीं, सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई। सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई तो यह है प्रिया कि वो मुझे अपने बेटे की तरह चाहती है। क्यों? हाँ, बेटे की तरह। माँ बेटे के रिश्ते की आड़ में इतना बड़ा पाप कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम बस करो प्रिया, वरना मैं कड़ा खून दूंगा। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस करो। और अभिलाषा जी, ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा, अंत जो होना था वही हुआ, तलाक। और सच्चाई क्या थी? हमारे दफ्तर की मालकिन एक विधवा और अपाहिज औरत थी। उसकी जिंदगी व्हीलचेयर में सिमट कर रह गई थी, फिर भी उसने कभी अपने आप को लाचार और मजबूर नहीं समझा। मेरे मां की उम्र की थी वो, यकीन मानिए मैंने भी उन्हें हमेशा उन्हीं नसों से देखा, और बदले में उन्होंने भी मुझे अपने बेटे के समान प्यार दिया। लेकिन लेकिन प्रिया ये बात कभी नहीं समझ सकी, कभी नहीं। आई टोल्ड यू अभिलाषा जी, वी आर ऑल विक्टिम्स। ओह, आई एम सॉरी। देखो अभिलाषा, आज वो दिन आ गया है और अब तुम्हारी अभिलाषा पूरी होने वाली है। यू नो, तुम्हारे ऐड के रिस्पांस में बैंगलोर से ये खत आया है, ये लो। ये माँ बनने के लिए तैयार है, सिर्फ उसकी कुछ शर्तें हैं। मेरे ख्याल से पैसों की बात होगी। तुम ऐसा करो कि आज की फ्लाइट से जाकर उससे मिलकर सब कुछ तय कर डालो। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर से बातें कर ली हैं, उसे मुंबई आना होगा। मैं कहती हूँ एक बार फिर सोच लो। अरे इसमें सोचना क्या है, 2 साल से हमने सारी कोशिशें कर ली लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तुम्हें भी तो बच्चे की बहुत चाह है ना? क्यों नहीं होगा, तुम्हें नहीं है? अरे कौन सी औरत होगी जिसे बच्चे की चाह ना हो। तो फिर अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुम जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी। यदि मैं गलती नहीं कर रही तो आप ही प्रिया जी हैं ना? जी हाँ। और आप? मैं अभिलाषा। नमस्ते जी। नमस्ते। देखिए हमें आपका खत मिल गया जिसमें आपने लिखा है कि सरोगेट मदर बनने से पहले आपकी कुछ शर्तें हैं। जी हाँ। क्या आप कुछ ज्यादा? आप शायद सोच रही हैं कि मैं ज्यादा पैसों की मांग करूंगी, पर ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए 15 लाख मेरे लिए काफी है। अभी मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का है, मैं उसे अच्छे से अच्छे एजुकेशन देकर बाद में उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजूंगी। तो फिर क्या शर्त है आपकी? देखिए हमारी तो सिर्फ इतनी शर्त है कि आपको मुंबई आना होगा। हाँ, और ये राज जिंदगी भर राज ही बना रहे।
हाँ हाँ ठीक है, मैं मुंबई आ जाऊंगी। और ये राज आपका नहीं मेरा भी है, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे से भी ये बात छिपाना चाहती हूँ। तो फिर और क्या बात है? यही कि आप मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। और आकाश, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। ओहो दिशा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज की ये मुलाकात क्या हमारी आखिरी मुलाकात है। नहीं दिशा, ऐसा मत सोचो। हमारा साथ अलग होने के लिए नहीं है, हम आज साथ हैं और आने वाला वक्त भी साथ साथ रखेगा हमें। आकाश, वक्त कौन सी करवट लेगा कोई नहीं जानता। मेरा दिल घबरा रहा है, मम्मी मुझे वहां क्यों बुलाना चाहती हैं? अरे जो होना था वो तो हो गया, अब मैं वहां जाऊंगी तो पापा को खोने का गम मुझे और मायूस कर देगा। मुझे उस घर के हर कोने में पापा का एहसास होगा आकाश, हर घड़ी उनका प्यार मुझे रुलाएगा। समझने की कोशिश करो, वक्त के साथ यादें भी धुंधली पड़ने लगती है दिशा। नहीं, वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है। संभालो अपने आप को, चलो देखो तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। और सुनो, इंडिया पहुंचकर मुझे फोन करो, तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा मुझे। ओके, टेक केयर। नहीं जा पाऊंगी। प्लीज दिशा, कम ऑन। चाय तो एकदम ठंडी हो गई, मैं अभी गर्म करके लाता हूँ। नहीं बिरजू, रहने दो आप। नहीं मालकिन, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लें, मैं चाय ले आता हूँ। फिर आज तो दिशा बेटी भी आ रही है ना। अच्छा ठीक है, ले आओ जाकर। अरे जी मालकिन जी। काश मैं तुमसे 20 साल पहले नहीं मिली होती अंकुर, तो आज मुझे ये दिन फिर नहीं देखना पड़ता। आज एक बार मेरा माथा सूना हो गया। कहाँ गई मेरे सुहाग की बिंदी? हवा के तेज झोंके ने एक बार में ही सब कुछ उजाड़ दिया। पहले की तरह सब कुछ राख हो गया और इस राख के ढेर पर मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने। हाँ, एकदम अकेला। तुमने अगर दिशा के लिए जिद न की होती तो मैं भी आज राख के ढेर में समा जाती। अरे मालकिन, आप अभी तक वैसे ही बैठी है, जल्दी से तैयार हो जाइए, दिशा बेटी पहुंचने ही वाली है। हाँ, चाय रहने दो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ड्राइवर तो एयरपोर्ट चला गया ना? हाँ, कब का? अरे अब तो वापस आ रहा होगा।
निशा बेटी, उसे सुबह से ही तुम्हारे पापा का मूड बहुत अच्छा था। इतना खुश तो मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा। उस दिन सुबह ही ट्रैवल एजेंट का फोन आया था और उसने बताया कि 2 दिन बाद की लंदन जाने की सीट कंफर्म हो गई है। ओ तो क्या पापा लंदन आ रहे थे मम्मी? हाँ बेटा। और आपने मुझे खबर तक नहीं की? बेटा वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। ओ मम्मी, पापा। उस दिन बेटा फैक्ट्री जाते वक्त मुझसे कह कर गए कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन लंदन जाने के पहले वो अपने सारे काम सबको ठीक से समझाना चाहते थे ताकि उनके जाने के बाद फैक्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। दिन में फैक्ट्री से 2 बार फोन पर मुझसे बात भी की। रात को 8 बजे के करीब फैक्ट्री से निकले। हमेशा की तरह ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे थे। रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचने के पहले मोबाइल पर मुझसे कहा कि किस्मत से रेलवे का फाटक खुला दिखाई दे रहा है, बस 20-25 मिनट में पहुंच रहे हैं। बस उसी वक्त जोर की आवाज मैंने सुनी, साथ ही तुम्हारे पापा की चीख अभिलाषा कहते हुए। बस यही उनके अंतिम शब्द मैंने सुने। क्या कह रही है मम्मी? मैं कुछ नहीं समझी मम्मी, मैं कुछ नहीं समझा। हाँ बेटा, दरअसल रेलवे क्रॉसिंग गेट पर काम चल रहा था और चौकीदार की रेड लाइट किसी तरह से बुझ गई थी। ध्यान किसी का नहीं था, ट्रेन अपनी रफ्तार से चली आ रही थी और गेट पर ही। प्लीज मम्मी, आप, मैं सर पापा के कमरे में जा रही हूँ मम्मी। ठीक है बेटा। मम्मी के पापा के कमरे का फोन वही है? हाँ बेटा, ये किस मझदार में छोड़ दिया अंकुर तुमने? क्या मैं सच्चाई कब तक दिशा से छुपा पाऊंगी ये सच्चाई? ओह अंकुर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मुझे सब कुछ याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ? लंदन जाने से पहले इसी कमरे में बैठकर आधी रात तक आपसे बातें की थी और पापा इसी रॉकिंग चेयर पर आप बैठे थे और मैं जमीन पर बैठी आपके घुटनों पर सर रख देती थी। आप प्यार से धीरे धीरे मेरे बालों को सहलाते थे पापा, और कौन सहलाएगा मेरे बालों को? कौन सहलाएगा पापा? कौन करेगा मुझसे प्यार? बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो ना, कौन करेगा मुझसे प्यार पापा? कौन करेगा? सारी दुनिया के लिए मैं दिशा की मां हूं, पर अंकुर सच्चाई तुम जानते हो कि मैं उसकी मां नहीं हूं। मगर मैंने हमेशा उसे मां का प्यार दिया है, पर लगता है उसने उसमें कुछ कमी महसूस की। मेरे स्पर्श में उसे ममता का एहसास नहीं हुआ, इसलिए आज भी जब तुम नहीं हो वो दिन रात तुम्हारे कमरे में तुम्हारी चीजों से, तुम्हारी रॉकिंग चेयर से,
बातें करती रहती है। बताओ अंकुर मैं क्या करूं? बोलो ना अंकुर, आज से 20 साल पहले तुमने मेरी, सिर्फ मेरी अभिलाषा पूरी की, पर लगता है कि मेरी अभिलाषा आज भी अपनी उसी जगह पर अधूरी है जो दिशा के आने से पहले थी। क्या क्या मैं सिर्फ नाग के लिए माँ बनी रहूंगी? मेरी बेटी क्या कभी मुझे अपनी माँ समझेगी? अंकुर बोलो, अंकुर बोलो ना। दिशा बेटी, ये आकाश कौन है? आपको किसने बताया? मेरे साथ लंदन में पढ़ता था। क्यों? अरे भाई, पढ़ने के साथ साथ और भी कुछ? बस हम एक दूसरे को पसंद करते हैं मम्मी। हाँ, आज उसकी मम्मी का फोन आया था, मुझसे मिलना चाहती हैं। और आपने क्या कहा उनसे? मैं क्या कहती, बस यही कहा कि वो जब आना चाहें आ सकती हैं। पर अब मैं पहले तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। मम्मी, आकाश बहुत सुलझा हुआ इंसान है। 3 महीने बाद वकालत का कोर्स पूरा करके वो लंदन से इंडिया आ रहा है। बस यहीं अपनी प्रैक्टिस करेगा। जब आप उनसे मिलेंगी तो जरूर इम्प्रेस होंगी। अरे भाई, हमारी बेटी इम्प्रेस हो गई यही मेरे लिए बहुत है। मगर एक बात बताओ, उसके माता पिता कौन है, क्या करते हैं और कौन कौन है उनके परिवार में? उसके पिता नहीं है, सिर्फ माँ है। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। तो मैं इस रिश्ते को पक्का कर दूं? अगर आप ऐसा करेंगी ना मम्मी, तो मुझे बेहद खुशी होगी। पगली, भला कौन सी माँ अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहेगी? अरे तेरी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ दिशा। मैं तेरी माँ हूँ बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। कभी भी अपनी माँ को आजमा लेना। हाँ सच? थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच। आप ही प्रिया जी आकाश की माँ हैं? क्या आप दिशा की? हे भगवान, ये कैसा खेल है। मुझे नहीं पता था कि दिशा आपके बेटे से ही प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। मेरा आकाश भी यही चाहता है। लंदन से फोन पर उसने साफ साफ कह दिया कि दिशा के अलावा वो किसी और से शादी नहीं करेगा। पर क्या प्रिया जी, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रही हैं? ये ठीक है कि दिशा ने आपकी कोख से जन्म लिया। तो क्या आप चाहती हैं कि एक माँ अपनी बेटी की शादी अपने ही बेटे से होने दे? नहीं नहीं नहीं, यह महापाप है। मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। ये ठीक है प्रिया जी कि दिशा ने आपकी कोख से जन्म लिया, पर आकाश उसका भाई नहीं है, क्योंकि आकाश का बाप तो कोई और है। आप इस सच्चाई को तो नहीं झुठला सकती ना कि दिशा का बाप वो नहीं जो आपका पति था। फिर भी दिशा मेरी बेटी है। जन्म देने से आप उसकी माँ हुई, ये तो सच है, पर वो आकाश की बहन नहीं, ये भी सच्चाई है जिसे आपको मानना होगा। नहीं नहीं नहीं, यह पाप मैं नहीं कर सकती। प्रिया जी, क्यों आप दो जिंदगियों की आहुति चढ़ाना चाहती हैं? क्या ये पाप नहीं होगा? सच्चाई तो सच्चाई है, उससे क्यों मुंह मोड़ रही हैं आप? आप दोनों को तो जीते जी मार देना चाहती हैं। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मैं नहीं नहीं नहीं, अगर आप मेरी जगह होती तो इस बात को मान लेती, इसकी इजाजत दे देती। क्यों नहीं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यह अनर्थ है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं होना चाहिए। कल अगर दोनों को पता। आप रुक क्यों गई प्रिया जी, क्या कह रही थी आप? ये
तस्वीर किसकी है? ये तो दिशा के पिता यानी मेरे पति अंकुर कुमार की है। नहीं नहीं अभिलाषा जी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप नहीं जानती कि क्या? प्रिया जी क्या हुआ? प्रिया जी कुछ तो बोलिए प्रिया जी। मम्मी अब तो मुझे सचमुच लगता है कि आप मेरी माँ नहीं है। आज आपने आकाश से मेरी शादी करने से इनकार कर दिया और कल तक आप कह रही थी कि दिशा बेटी तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ को कभी भी आजमा लेना। हाँ बेटा, काश मम्मी आज पापा होते, आज पापा होते तो मेरी खुशियों का गला यूं ना घुटते, खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते। मम्मी खुशी दिशा बेटे, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मत कहो मुझे बेटी, मत कहो। I hate you मम्मी, I hate you। कल तक कुछ और था और आज कुछ और। हाँ बेटा, एक पल में सब कुछ बदल गया है। कैसे है? शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं है। कहिए कि आपको मंजूर नहीं है। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, ये बात नहीं है। अब मैं सच्चाई कैसे कहूँ? अब आपके पास कहने के लिए रही क्या गया है मम्मी? क्या रह गया है? तू सुन नहीं पाएगी बेटी। क्या नहीं सुन पाऊंगी मैं? क्या नहीं सुन पाऊंगी? आप कहिए ही सही बेटी। आकाश, हाँ आकाश तेरा सगा भाई है। नहीं तेरा भाई है। नहीं मम्मी, यही सच है बेटा। नहीं आप झूठ कह रही है मम्मी। यही झूठ कह रही है। नहीं नहीं मम्मी, हाँ बेटा यही सच है, यही सच। नहीं मम्मी, हाँ मुझे विश्वास नहीं। सच यही है बेटा। नहीं नहीं।